अभी आप देखिए अभी एक अंग्रेज सबका सबसे खतरनाक कहाँ चल रहा है गाजा फिलिस्तीन इजराइल देख रहे अब कई लोग कहेंगे सात अक्टूबर को सात अक्टूबर को दुनिया पैदा थोड़ी हुई थी जी पिछले साल उससे पहले क्या घटना थी अमेरिका यूरोप इजराइल पूरे नाटो वाले मिल के कहते हैं सब फिलिस्तीन तुम अपनी सेना नहीं रख सकते कल को पुतिन यही बात भारत को बोलेंगे हम लोग मार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे और अंग्रेजों की एक खासियत है कानूनी रूप से मारते हैं सब एकदम कानूनी रूप से एकदम कहेगा सर अच्छा भारत वालों को बर्बाद करना रुको बताए भारत का आदमी हथियार नहीं रखेगा लो लाठी से मारो अंग्रेजों को कानूनी लड़ाई लड़ेंगे सब वहां पे और कहेंगे अगर आप हथियार रखे गए तो आपको फांसी दे दिया जाएगा आर्म सेक्ट फांसी दे दिया जाएगा अब आप अंग्रेजों को लाठी से मार नहीं सकते हो तो ये लोग कानूनी लड़ाई लड़ते हैं अभी आप देखिए अभी एक अंग्रेज सबका सबसे खतरनाक कहाँ चल रहा है लड़ाई गाजा फिलिस्तीन इसराइल देख रहे हैं अब कई लोग कहेंगे uh, सात अक्टूबर को सात अक्टूबर को दुनिया पैदा थोड़ी हुई थी जी पिछले साल उससे पहले क्या घटना थी अमेरिका यूरोप इजराइल पूरे नाटो वाले मिल के कहते हैं सब फिलिस्तीन तुम अपनी सेना नहीं रख सकते हो अपनी नौसेना नहीं रख सकते, सकते हो थल सेना नहीं रख सकते हो कोस्ट गार्ड नहीं रख सकते हो मिसाइल नहीं रख सकते हो हवाई जहाज नहीं रख सकते हो एयरपोर्ट नहीं रख सकते भैया ये हम लोग का अपना सबसे करीबी मित्र है रूस हमसे सबसे करीबी मित्र कौन है कल को, को पुतिन यही बात भारत को बोलेंगे हम लोग मार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे हम ही अपने यही बात श्रीलंका को बोले कल को श्रीलंका क्या करेगा मार कर तुम का भैया हम सेना नहीं रख सकते ये वही किए उस उसकी सेना नहीं रह सकती है और उसको देश की मान्यता नहीं दिया जाएगा ये भाई साहब या तो तुम हड़प लो <laughs> पूरा का पूरा हड़प लो अपना देश बना लो नहीं तो उसे देश की मान्यता दे दो ये क्या चीज है कि भैया तुम्हें हम ना हड़पेंगे

आगे बढ़े तो एल एल बी की पढ़ाई करने कहा चले गए लंदन चले गए गा, महात्मा गांधी पढ़ाई करने सोचिए उस समय क्या हैसियत रहा होगा महात्मा गांधी का यानी आज आज से से अगर देखिएगा तो लगभग साल साल पहले आज से साल पहले वह व्यक्ति पढ़ने के लिए लंदन गया होगा आज आप में कोई कह दे कि हमको लंदन घूमने जाना है इतना मार मारेंगे सब ना घर वाले लोग आपको इतना मार मारेगा लोग जिसका लड़की लोग तो नहीं बोलो ना कि लंदन घूमने जाएंगे नहीं जान बिया करा के भेज देगा ससुराल का ससुराल कोई अपने तुम लंदन ब्रिटेन अमेरिका समझो यहाँ पे समझ समझा गया कि नहीं आ गया सोचिए उस समय गांधी जी कितने संपन्न परिवार से आ रहे होंगे जो इंसान उस समय लंदन पढ़ाई करने गया होगा आज से डेढ़ सौ साल पहले आज आपके यहाँ इतनी किसी की क्षमता नहीं है आप में यहाँ बैठे लोगों की शायद ही किसी की क्षमता होगी जो आज की डेट में लंदन पढ़ सकता है कोई है इतना पढ़ सकता है पटना के हॉस्टल का पैसा देने में हालत खराब हो जाता है आपके गार्जियन जानते होंगे लोग कैसे पैसा दे रहे हैं कुछ लोग संपन्न होंगे ठीक है वरना आधे लोगों का तो सोचना पड़ता होगा कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा इस मंथ में लेट से आएगा वो वहां गए थे पढ़ने के लिए तो उतना व्यक्ति महान व्यक्ति थे और एक आधा धोती पे पूरा क्या बिता दिए जीवन बिता दिए और अचानक आया नाथुराम गोट से को उसको सुपारी दिया मारने के लिए अब फोटो दिखाया गलत फोटो दिखा दिया उसको उस समय मोबाइल उतना नहीं प्रचलन था मारना था जिन्ना को सुपारी दे दिया गलत किसको गांधी जी को मार दिया किसको गांधी उस समय गांधी जी की उम्र लगभग अस्सी साल थी कितने साल थी अस्सी साल गांधी जी चल नहीं सकते थे अपने पैरों से 80 साल का आदमी सीधा नहीं खड़ा हो पाता है साठ साल में तो आदमी रिटायर हो जाता है जी कुछ बड़ा पोस्ट है जिसमें पैंसठ साल पे रिटायर हो जाता है अस्सी साल का आदमी कितना स्थिति होगा आप अपने दादाजी को देखो अस्सी साल को चल पाते हैं नहीं तो नहीं चल पाते थे तो आभा और मनु नाम की दो महिलाएं उन्हें उठ क्या करती थी सहारा देती थी हॉस्पिटल में वन क्या बूढ़ा रहेंगी? रहेंगी? तो तो आदमी जो खड़ा नहीं हो सकता था अपने पैरों पर पे नहीं खड़ा हो पाया चल नहीं पाता था अपनी जरूरतों की चीजों के लिए किसी से मांग दीजिए उसको पानी पीना है तो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाएगा आदमी जाके वहां ले आ सके यहाँ पर तो उस कंडीशन में उस भी मांगना पड़ता कि भैया हमें दे दो यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पर बिरला मंदिर से निकल रहे थे कहाँ से निकल रहे थे बिरला मंदिर वो मंदिर सत्संग का जगह होना चाहिए वहां मार दिया कितना गोली कौन हाँ नातुराम गोटसन आगे बढ़े तो बताइए लंदन गए 1888 सौ वहां पढ़ाई पूरा कर दिए और वहां पे भारत क्या हो गया लौट आए

गुजराती ने रास्ता दिखाए थे नहीं समझ में जा गया सोचिए गुजराती कहाँ कहाँ थे सब तो अफ्रीका में गुजराती बिजनेस करता था उसका बिजनेस पे अंग्रेज सब ना कोई एलिगेशन एलेग, लगा के बिजनेस पे फाइन लगा दिए थे सब और प्रतिबंध लगाए थे सोचिए भारत से कितना दूर है दक्षिण अफ्रीका अब महात्मा गांधी जब भारत आए तो वहां पर एक व्यक्ति ने कहा कि काम कीजिए आप हमारा केस लड़ने कहाँ जाइए साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी कहा ठीक है हम कहाँ जाएंगे साउथ अफ्रीका तो अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति था जिसका केस लड़ने वो कहाँ गए थे साउथ अफ्रीका सोचिए इंग्लैंड से पढ़ाई किए भारत में आए गुजरात के राजकोट में वकालत करने लगे इनकी योग्यता देखकर अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने कहा कि महात्मा गांधी आप जाइए हमारा केस लड़ने अफ्रीका तो आने जाने का खर्चा साउथ अफ्रीका में रहने का खर्चा और पूरा केस लड़ने का खर्चा किसने दिया भैया ये अब्दुल्ला का बिजनेस कितना बड़ा होगा आप सोचिए उस समय ही अब्दुल्ला भाई कहाँ तक बिजनेस किए थे अफ्रीका तक अफ्रीका तक आज के जमाने में हम लोग अफ्रीका तक कोई पहुंच नहीं बना पाए अफ्रीका तो बहुत रेगिस्तान वाला एरिया है दुबई या सिंगापुर तक हम लोग का डायरेक्ट पहुंच नहीं है वरना यहाँ के व्यापारी लोग का ये हाल होता है दुर्दशा होता दुबई उबई में यहाँ की सब्जियों से दस गुना रेट महंगा है वहां पे लेकिन हमारे यहाँ तो किसान रोता है टमाटर दस रुपया हो गया अरे भाई दुबई भेज दो अब टमाटर का लगता है किसान भेज पाएगा उस टाइप का इकोसिस्टम ही नहीं है चेन ही नहीं है यहाँ पे इकोसिस्टम ना होने के नहीं भेज पाता अब्दुल्ला भाई का बिजनेस उस समय कहाँ था साउथ अफ्रीका में पानी वाली जहाज से पंद्रह दिन लगता था जाने में वहां से महात्मा गांधी गए और वहां उनका केस लड़े और वहां उनका केस को क्या हो गए जीत गए समझ आ गया, गया? जीत गया वहां पे हालांकि जब केस लड़ने गए थे तो महात्मा गांधी गुजराती थे तो पगड़ी बांधते थे गुजराती राजस्थानी क्या बांधते हैं पगड़ी सिख लोग की अलग पगड़ी होती है सबका अलग अलग टाइप का होता है टर्बन बोलते हैं उसे तो जज ने कहा कि टर्बन को हटाना होगा तो नहीं हटाए वहां पर कहा कि नहीं हटाएंगे बाद में जब इन्हें वकालत की डिग्री लेनी थी वहां पे बार एसोसिएशन से तो उन्होंने कहा कि तब आप टर्बन नहीं रख सकते तब उन्होंने अपना पगड़ी को क्या किया था हटाया था और उसके बाद केस लड़े और केस वहां पर जीत गए कहां पर हाँ साउथ अफ्रीका में केस लड़ गए और सब जब साउथ अफ्रीका में गए ना महात्मा गांधी केस तो जीत गए किसका केस जीते अब्दुल्ला भाई उन्हें भी अब्दुल्ला भाई बोला जाता है गुजराती सब भाई बोलता है मोटा भाई बड़ा भाई समझ में आ कि नहीं है यहाँ पे तो भाई तो अब्दुल्ला भाई का केस कौन जीत गया महात्मा गांधी लेकिन वहां जब जाके गए अब साउथ अफ्रीका में कहा वहां उन्होंने देखा कि वहां जो अंग्रेज जिस एरिया में रहते थे वहां हर एक चीज की सुविधा थी नालियां अच्छी थी सड़कें अच्छी थी साफ सफाई था गंदगी नहीं थी स्कूल था हर एक व्यवस्था थी लेकिन जो अफ्रीका के मूल निवासी थे और जो भारत के लोग रहते थे वहां ना साफ सफाई होता था ना नालियां ढकी हुई थी ना कोई झाड़ू मारने आता था ना कुछ और नगर निगम आके टैक्स भी लेती थी नगर निगम आके क्या लेती थी टैक्स संजा के कचरा फैला रहता था तो गांधी जी कहे कि ये क्या बात है भाई यहाँ कचरा का फैला है यहाँ पे रंग भेद के लिए कहा कि यहाँ अंग्रेज रहते हैं यहाँ भारतीय यह रहते हैं और यहाँ अफ्रीका का मूल निवासी रहता है तो महात्मा गांधी वहां अफ्रीका के लोगों से कहा तुम तो मर गए हो तुम्हारा अधिकार है यहाँ तुम्हारा टेक्स मत दो तुम यहाँ पर तो महात्मा गांधी ने बवाल कर दिया टैक्स मत अफ्रीका का आदमी पहली बार देखा कि भाई ये देवता कहाँ से होता ले लिया हाँ हमारी समस्या ये इंडिया से आके उठा रहा है तो यहाँ बवाल कर दिया लोग तो लाथ, वहां तो अंग्रेज आए सब लाठी चार्ज कर दिए सब वहाँ के व्यापारियों पे वहाँ के व्यापारी में क्या कर दिया चोटा सब तुम लोग शिकायत करता है कि यहाँ सफाई नहीं होती है यहाँ झाड़ुए नहीं लगाई जाती है यहाँ पे महात्मा गांधी केस लड़ लिए महात्मा गांधी केस और वहां वहां भी पे नगर निगम को मजबूरी में साफ सफाई रखनी पड़ी यहाँ पे अफ्रीका का आदमी ना रिक्वेस्ट करने लगा अब्दुल्ला भाई से ये अब्दुल्ला भाई ये आदमी को भारत मत भेजिएगा बहुत सही आदमी है यहाँ पे पता नहीं कहाँ का है दुबले पतला है एकदम महात्मा गांधी यंग थे तो बहुत स्मार्ट थे समझ में आ गया कि नहीं आ गया अरे शुरु से बूढ़ थोड़े थे जी वहां पे नहीं समझ में आ गया सच में अब आप, आपको हम यहां पे क्या ही दिखाएंगे उनका ओरिजिनल फोटो तो टारगेट है इसमें फोटो वोटो कंची दिखा लेकिन सच में बहुत स्मार्ट थे महात्मा गांधी आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं हम लोग सर आप बोले थे आज में क्वेश्चन सुनेंगे बिल्कुल सुनेंगे आप ठीक है थोड़ा सा लाइट कटा हुआ था इसलिए हम सोचे कि पहले थोड़ा सा पढ़ा देते हैं यहाँ पे आ गया लाइट यहाँ पर आगे बढ़े तो वहां पे अफ्रीका के लोगों ने कहा कि भाई आदमी बहुत सही है और रंग भेद के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया वहां पर आंदोलन कर दिया वहां कर दिया आंदोलन कर दिया वहां एक भारतीय महिला थी जिसको नौकरों को वहां गुलाम बना के काम कराया जाता था उनके लिए फिक्स होने का टाइम नहीं था काम करने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं था जितना देर काम करना होगा काम करा लेंगे 20 घंटा 24 घंटा में 20 घंटा काम कराएगा तो भी कीजिए पैसा नहीं दिया जाता था एक ही बार खरीद लिया जाता था एक भारतीय महिला थी जो वहां पे नौकर का काम करती थी उसका केस महात्मा गांधी ने लड़ा और वहीं से महात्मा गांधी को झकझोर दिया और समाज में परिवर्तन का काम किया एक महिला थी जिसका छोटा बच्चा था 6 महीना का लेकिन उसको ना अंग्रेजों के या नौकर का काम करना होता था तो अंग्रेज सब वहां पे जो थे सब उनके घर में कोई बर्थडे पार्टी चल रही थी तो बर्थडे पार्टी के लिए उसको नौकरानी को छोड़ा सब नहीं कर तुमको यही काम करना होगा उसका बेटा जो था छोटा सा 6 महीने का वो बेचारा छोटा होता उसको प्यास लगेगा दूध पीना रहता उसको वो भूख से एक दिन चिल्लाते चिल्लाते शाम को मर गया वो अगले दिन आई देखी उसका बेटा मर गया पे उसके बाद जब वो रोने लगी तो अंग्रेज आए सब अब मार के ले गए सब कि अभी काम बचा हुआ है चलो उसको लाश सड़ने दिया सब उसके बेटा, बेटा का यहाँ पे छोटा बच्चा सोचिए ये अंग्रेज सब ये क्या बोलेगा सब यहाँ पर आज ये ह्यूमन राइट मानवाधिकार की बात बोलते हैं सब यहाँ पे इनको मारने पर कोई अफसोस नहीं होता है यहाँ पे यूक्रेन पे बम मार रहा है सब तो हम लोग कोई दिक्कत है अभी सुने हाँ बस इतना कहते हैं कि कहीं मारो छोटे बाल बच्चों को छोड़ दो भाई छोटा बाल बच्चा पे नहीं होना चाहिए महिला और छोटा बाल बच्चा किसी युद्ध में नहीं बेचार युद्ध में बस पीस जाते हैं सब